आप सभी को मेरा जोहार और आप सभी को रथ यात्रा की बहुत सारा शुभकामनाएं। आज है रथ यात्रा, सो हर जगह मतलब आपके जगह में भी तो रथ जो है फेस्टिवल मनाया जा रहा होगा। सो राउरकेला में भी यही फेस्टिवल मनाया जाता है। सो हम वहीं पे ही जाते हैं जहाँ पे रथ जो है रुकता है, जहाँ पे कि जगन्नाथ जी का मौसी माता का मंदिर ही है। सो डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। वहाँ पे शोर शराबा होगा तो मैं वॉइस नहीं दूंगी, बाद में वॉइस ओवर कर सकती हूँ। सो जैसे भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप हमारे साथ बने रहिए और रथ यात्रा को एंजॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं सेक्टर 19 में एंड बहुत लोग आए हैं फ्रेंड्स, बहुत भीड़ होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इतना सारा लोग हैं और ये पूरा एरिया जो है अभी फिल हो चुका है, क्योंकि अभी जो है रथ यहाँ पे आने वाला है। रथ जो है 3 नंबर मंदिर से निकल के यहाँ पे आता है। सो 3 नंबर मंदिर में भी इतना भीड़ नहीं होगा, वहाँ पे रथ जैसे निकलता है ना उस टाइम में ज़्यादा भीड़ होता है। तो बहुत दूर है अभी रथ और रथ जो है आने में टाइम लगेगा। वहाँ से आप देख सकते हैं, शायद मैं दिखाने का कोशिश करूँगी, ये रहा वो देखिए छोटा सा जो है वो रथ आ रहा है। सो काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो रास्ता दिख रहा है ना ये बहुत ही लंबा है और धीरे धीरे ही आता है। तो कुछ देर के बाद दर्शन जरूर करेंगे, उससे पहले हम पूरा एरिया घुमा के दिखा देते हैं आप। मौसी जी का मंदिर है और जगन्नाथ जी का मौसी लगेंगे, तो हमारे सबका मौसी जी हैं। सो ये सेक्टर 19 का गुंडीचा मंदिर है। अंदर जो है जब रथ आए जगन्नाथ जी बलभद्र जी और सुभद्रा जी को अंदर रखते हैं। यहाँ पे जो है बाहुड़ा तक अंदर ही भगवान हम यहीं पे ही पूजा पाएंगे। तो कोशिश करेंगे सब कैप्चर करने के लिए, बट फिलहाल तो रथ का आने का इंतजार कर रहे हैं और आप जो है मंदिर के अंदर थोड़ा सा जाके आए। आप देख सकते हैं मतलब ये जो है ये चौक 19 नंबर का ये चौक है। ये इधर पेट्रोल पंप साइड है और आमबागन के लिए रोड है। सो ये वाला चौक के अंदर हम हैं और आप जहां जहां तक देख सकते हैं, देखिए तो मतलब कोविड के बाद इतने टाइम के बाद अगर दर्शन के लिए इतना सारे लोग आए हुए हैं। कोविड के वजह से जो है रथ यात्रा नहीं हो रहा था, मतलब कि हो रहा था बट पब्लिक लोगों के लिए अलाउ नहीं था, इसलिए लोग नहीं आ पा रहे थे। बट अभी सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और बहुत भीड़ हो रहा है। Oh,
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत 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 वेट करने के बाद अभी जो रथ यहाँ पे आ रहे हैं ये है ठाकुर जगन्नाथ जी का नंदीघोष रथ। और मंदिर के जस्ट फ्रंट में ही ये तीनों रथ यहाँ पे रखा जाता है और बहुत भीड़ है और इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, बट यहीं से दर्शन कर लीजिए और ब्लॉग को हम यहीं से एंड करते हैं। इसी के साथ हम ये ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।